कौन लाया भाई? अरे कलवा लाए। अरे वो सब ठीक, पहले ये बताओ बांधिस कौन है? हम। तुम ये बताओ यार, बिल्कुल चीमरा आदमी हो का? काहे? आँखिन की पट्टी आँखिनो बांधी जात की मत्थे में बांधी जात? का? कलुआ। है? का कलुआ? कलुआ को नहीं जानते? नहीं। चौन आदमी कलुआ को नहीं जानता, वो दुनिया को नहीं जानता। काहे की बाप क्या, दादा क्या, और अम्मा क्या, सब क्या मुंह काला गई क्या वायु कलुआ? कलुआ 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 कलुआ। अब तोरी बारी। क्या नाम बता? तिलक। तेरा कुत्ते का नाम नहीं पूछ रहा, सही नाम बता। हमारा नाम तिलक है, हमारे कुत्ते का नाम पिल्लू। हमसे ज्यादा ना मजाक। भैया तुम्हारा नाम तिलक, हमारे बड़े भाई का नाम चंदन, हमारी दीदी का नाम रचना, और हमारी बुआ का नाम रोली। सबकी सब मस्तक में लगाई जाती। सबका मस्तक हम यही फाड़ देंगे, बता दे रहे। नहीं कलुआ भैया, पापा को नाम तो रहा टीका। टीका सुल्तान लंगोटा तान। वैसे कलुआ भैया कितने लोग हैं आपके घर में? कुछ पूछा करे तो बोल दिया करो, इसे खड़े ना रहा करो अन्ना भैसन की तरीके। दादा चच्चा अम्मा सुनीता लड़कवा हो कौन? बस हाँ बस। काहे तुम नहीं का? ए, जो भेड़न कितना हंस रहे हो, तुमका पता नहीं है कि तुम कलुआ कोठरी में बैठे हो? या जुआवा है वो या तो मर के गवाह है या तो मार के। वैसे कलुआ भैया ये बताओ, तुमका कैसे पता कि हम भेड़न की तरह हंस रहे हैं? भेड़ ऐसे है हस्ती का। बस बहुत हुई गवाह, अब फोन हुई। ए बत्ती लगा रे फोन, इके घर में लगा फोन। वाह मोम लगा फोन, क्या बात लगाया? अरे फोन नंबर पूछियो कैसे, हवा में लगा दी फोन। नंबर बता, बता नंबर। याद नहीं आ रहा। 840-845-90-514। आप जिस सिम से कॉल कर रहे हैं उसमें बैलेंस नहीं है, कृपया बैलेंस रिचार्ज करें तब कॉल करें। आगे से ऐसी गुस्ताखी की तो सिम कनेक्शन काट दिया जाएगा। धन्यवाद। अरे इनके पास कोई बैलेंस नहीं, हम लगाते। आप जिस मोबाइल से कॉल कर रहे हैं उसमें बैटरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब चूस डाली गई है, कृपया बैटरी चार्ज करें तब फोन करें। अगली बार ऐसी गुस्ताखी करने पर आपका मोबाइल ब्लास्ट कर दिया जाएगा, यहाँ एक बटन है। धन्यवाद। आपके पास नहीं का मोबाइल कलुआ भैया? हाय। तो काहे नहीं लगा रहे हो? पैसा कैसे बचिए फिर? देख लो कॉलर ट्यून लगी, जैसे सब पैसा ही फरात आ रहा, हम तोड़ तोड़ ला। हेलो हेलो संतोष, बार बार दूसरे नंबर से कॉल ना किया करो, तिलक का पता चल जाता। कौन संतोष? हम कलुआ बोल रहे हैं, हम तुम्हारे पति किडनैप किया है, 10 लाख रुपया हर एक गोदाम में तुरंत का तुरंत चाहिए। हमारे पति किडनैप किया? हाँ। लेकिन वो तो ऑफिस गए। रास्ते से उठा हुआ है। लेकिन वो तो ऑफिस गए ना? हाँ तो क्या हुआ, ऑफिस गए तो रास्ते से उठा लिया। अरे जब वो ऑफिस गए तो कैसे रास्ते से उठा लियो भाई, हमका यह नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल मंद बुद्धि है का? अरे मंद बुद्धि नहीं बंद बुद्धि है, लाओ इधर। हेलो मर्यादा सुशीला, हम कह रहे हैं कि हम तिलक हैं, जल्दी 10 लाख रुपया जुगाड़ करके हमका बचाओ। अरे लेकिन तुम तो ऑफिस गए रहो। अरे यार आप सब किडनैप हुए, बिल्कुल बेवकूफ है का? दिमाग लगावा करो कबा कबा, मूर्ख कहीं की। और पहले ये बताओ संतोष कौन है? पहले तुम बताओ मर्यादा कौन? अरे हम तो कह रहे थे मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। काम भी कह रहा संतोष करो, संतोष करो। नहीं सही बताओ संतोष कौन है? पहले मर्यादा, पहले संतोष, पहले मर्यादा, पहले संतोष, पहले मर्यादा, पहले संतोष, पहला पैसा। सुनो तुम्हारे पति का हम ये दावत नहीं बैठा रहा कि यहाँ तंदूरी रोटी छट रही। 10 लाख रुपया लेके हरिया गोदाम में आओ, नहीं तुम्हारे पति कच्चा खा जाएगा। खा दो कच्चा।
सुशीला, हम यहाँ मरे जा रहे हैं, तुम मर्यादा मर्यादा कह रही हो। हम आज तुमको जान पाए सेम तुम हो का। ए, बता दे 10 लाख रुपया लेके आओ। सुशीला क्या कैसे आदमी हो यार तुम? तुम्हारा तुम्हारी वाइफ पे कंट्रोल तक नहीं। तुम्हा है और नहीं तो क्या? झूठ, सफेद झूठ। ए मोम, बता रहे तुम ले आगवा तुम्हारी पत्नी फोन, भाभी फोन, मालकिन का फोन, चुड़ैल कहो भाई का। हेलो, तुमको नहीं कह रहे थे इनको समझा रहे? हाँ, बोला 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 ठीक। हाँ कर लो, जाके जो करना कर लो। हाँ हाँ, खाद डालो जला डालो सब ठीक 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 ठीक। हाँ ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक। लड़ाई हो गई लगता। स्पीकर पर होते मजा आ जाते। कभी घर पे आ जाना, स्पीकर पर नहीं, लाउड स्पीकर पे होती लड़ाई, सुन लेना आके। वैसे भैया हमको प्यास लगी, तो हम क्या करें? पानी वानी पीते हो कि नहीं पीते हो? यहाँ कुछ दिख नहीं रहा रखा हुआ। नहीं, हम लोग अमृत पीते हैं। अच्छा, लाओ इधर चिता दो 3 बूंद। सबसे ज्यादा जो है ना, ये खुसर पुतर वाली काम ना करना। हम लबड़ सबड़ वाले आदमी नहीं, चक्कू भोंक देंगे तो ऐसे हा करते रह जाओगे। पैसा मिलना नहीं बैठे, टाइम बर्बाद कर रहा। गंवार कहीं का। ए गंवार हो गए तुम? हम गंवार हैं, गंवार हैं, हम गंवार हैं। अभी का तो नहीं पता पर पहले तो रहे। हे, गंवार रहे? हाँ हाँ रहे, गंवार रहे, हम गंवार रहे। अब नहीं देखा भैया, हम तुमको बताई, हम लोग के पीछे पुलिस की गाड़ी लगी, हम लोग पैदल दौड़त भाग रहे, ये रोड पर खड़े खड़े टॉयलेट करे लगे। शर्म तो आ नहीं रही होगी? हम का कैसा नाम है? शर्म है तुम का? पति, इतना मूर्ख आदमी हो तुम कि तुमको इतनी तमीज नहीं है। ऐसा कौन सा मूर्खता वाला काम कर दिया बताओ? नहीं, तुमने कोई मूर्खता वाला काम नहीं किया है। तुम्हें काम करना, किसी दिन फोन उठाना और पुलिस को लगा देना और कह देना कलुआ भैया सरेंडर करी है, आओ ले जाओ आके हरियम गोदाम बैठे हैं गधा। और हाँ, का कह रहे हो तुम? पानी चाहिए, पानी चाहिए, तुमका पानी चाहिए। हेलो पुलिस स्टेशन, कलुआ भैया सरेंडर करी है, हरियम गोदाम में बैठे हैं, आओ जल्दी ले जाओ। वैसे सरेंडर करना नहीं चाहिए था हमारे हिसाब से। हम तो सोचा रहे हमारा कलुआ शेर है, वो तो गीदड़ निकला। अभी हम बता रहे कौन शेर है कौन गीदड़ है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है MJO न्यूज में। आज हमारे साथ है 4 मेहमान, दुबे जी, टेवराइन, ये पंकज, और हमारे साथ हैं गोपी दादा। अरे यार तुम लोग बिल्कुल हद मचाए हो यार, पगलैती छाई है स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली के बारे में कौन बात करता है, होली खेली जाती खाली। आपको अगर बात करनी हो तो बैठिए, नहीं तो चले जाइए यहाँ से। अरे चलो अपने कहानी जारी रखो। तो अगला सवाल हम पूछने जा रहे हैं टेवराइन जी से। टेवराइन आप बताइए। अरे तुम ये बताओ टेवराइन, तुम्हारी बहुत सगी है का? जब देखो टेवराइन टेवराइन ब्रेक के पहले टेवराइन अब टेवराइन, हम लोग से कब पूछिए, हम लोग से पूछ ले। हाँ तो तुमको जलन काहे हो रही है अगर सगी है तो? है सगी, पूछ रहे तो पूछने दो। क्या तुम अभी बोल के अघाई नहीं हो? पिछले 2 ब्रेक खा डाले तुमने, अब हम लोग से पूछा जाएगा? ऐसा नहीं होता टेवराइन, सब क्वेश्चन कोई नहीं होएगा। देखिए रुके रोमेट रुके, बहस का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, उस सिस्टम को और उस तरीके को हम लोग। अरे यार तुम फिर बेवकूफी कर रहे हो यार, तुम लोग क्रेन चलाना नहीं जानते हो यार, कैमरा घुसेड़ दे रहे हो खोपड़ी। और भैया तुम सामने देखा करो, इधर साइड ना देखा करो, तुम्हारी फोटो टेढ़ी आएगी, ठीक है? सामने देख के बैठो, ठीक है? देखो समय बिल्कुल कम है, समय है नहीं हमारे पास। कितना बजा है देखो, कितना बजा है? कितना बजा है? 9:26। 9:26 हुआ, तो आधा आधा मिनट का समय है। जवाब दो कि होली में जबरदस्ती रंग फेंकना सही है कि गलत है? काहे गलत है भाई, है काहे गलत है?
हम तुमसे पूछ रहे, तुम हमसे पूछ रहे, पहले ये बताओ। अरे नहीं, हम बता रहे, कहा है गलत है? यह तोहलीम भैया है, वही कहोलीम। जबरदस्ती रंग नहीं लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? कहेंगे भैया रंग लगाए, भैया कई दिन नहीं तो कई दिन जाओ, अच्छा तो भैया तैलते जा रहे मस्त। अरे होली में तो भैया कहे ना लगाओ तो भैया पोत दो मुँह माँ, भैया को लौटा दो जमीन माँ, भैया के नाली में घुसड़ घुसड़ रंग लगाओ। अगर भैया जा रहे मद मस्त हुई के अच्छे कपड़ा पहने उठाए के डारी दे ड्रम माँ, तो पूरा साल कपड़ा ना धुली पाए। अगर भैया डर के मारे छत पर खड़े हो तो भैया पीछे जाओ ढकेली दो नीचे गिरे धड़ाम तेने। अरे जब तक होली में हुड़दंग ना मचे, जब तक खोपड़ी ना फूटे, तब तक होली होली थोड़ी है। वाह वाह भाई वाह, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, सब लोग ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, क्या बात है, ताली बजाओ ताली बजाओ, पर ताली बजाओ ताली बजाओ, तुम्हारे बाप के नौकर ताली बजाएंगे। अरे यार इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं यहाँ पे लोग। ओ भैया हम तुमसे कितनी बार कहे, तुम्हारी खोपड़ी टेढ़ी मेढ़ी है क्या जो इसे टेढ़ी हो जाती है? बिल्कुल सामने दे सामने यार, उतनी देर चक्कर 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 चक्कर। ये क्या कर दियो भैया? कर का दिन मार डारी नौका कर दिन। मार डारो का भैया? अरे मरे नहीं, मर जाते तो अच्छा होती, कम से कम जेल जाते वहां गोपी दादा। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, का कर ले हो बहुत हंसी आ रही तो। इधर देखो ऐसा उठा पटकेंगे ना, दो बार टिप्पा खाओगे। अरे चलो तुम जानते नहीं हो कितने बड़े दादा। अरे तुम्हारे जैसे दादन का हम फूक मार मार उड़ा दे। चला मार फूक मार फूक मार मार फूक। अरे आओ सामने फिर आओ। अरे चुप चुप रहा बिल्कुल, मार फूक आओ सामने, बताए तेरे एक एक को भगा देंगे बाहर। जाग उठा शैतान। ए सर जी, क्या है यहाँ? पंकज है कोई? चलो तुम्हारी मम्मी बुला रही। कहाँ जा रहे हो? अरे हमारी मम्मी बुला रही भाई, पकवान खाने जा रहे। अरे यार बिल्कुल देख लो, पकवान खाने चला गया तो त्योराइन तुम ये बताओ होली के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? घूम फिर के त्योराइन पे फिर पहुंच गए। तुम यार शांत बैठो। देखो जो पकवान वगैरह होली के होते हैं वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो तुम्हारा भाई मोटापा बता रहा। तुमसे एक बार कहा समझ में नहीं आया ना तुमको? लेकिन हमको एक चीज होली की नहीं अच्छी लगती, वो है हुड़दंग। होली का जो हुड़दंग है इतना खराब लगता है हमको। अरे होली में हुड़दंग है सब कुछ है, होली में हुड़दंग नहीं तो काहे का मजा। तो एक काम करो, तुम उठो और रोड पे जाओ हुड़दंग बचाओ जाके, यही चीज तुमको करनी आती है। जब से देख रहे हैं चल रहा हुड़दंग चल रहा है। तुम बोलो टेबराइन। हाँ तो हम कह रहे थे हमको पकवान अच्छे लगते हैं, लेकिन पकवान ज्यादा खाने नहीं चाहिए। काहे कौन खुशी में नहीं खाने चाहिए? पेट वेट खराब हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? नहीं होता है तो नहीं होता है बस। काहे तुम्हें कहीं से नहीं होता है? ऐसा है ये गुंडा कर दी अपने घर में दिखाना, यहाँ नहीं चलेगी। अपने घर में गुंडा कर दी दिखाने के लिए गुंडा बने हम? हद है बेवकूफियत की। नहीं तुम हमारे शांत रहो। जहाज आ रहा का? अरे यार तुम जहाज देख लो पहले यार, हद है यार, जहाज देख रहे हैं। अरे अच्छा ठीक ठीक, लड़ो लड़ो तुमका डिस्टर्ब हुई गवा हुई। लड़ो 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 लड़ो। नहीं डिस्टर्ब नहीं, बता रहे ना बहुत दादा बनते हर जगह, हमारे सामने नहीं बन पाओगे तुम दादा। तुम चुप रहो तेवराइन। नहीं हम बता रहे हैं, अगर एक लपड़ पड़ गया तो गोपी दादा से टोपी दादा बनने में टाइम नहीं लगेगा। बस तेवराइन बस, बंद करो अपनी नौटंकी, हमसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की है। हां तुमको हमारे जैसा अभी तक मिला कहां? बस तेवराइन हम रंग फेंक देंगे। फेंको रंग फेंको। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं होली के पावन अवसर पर रंगबाजी चालू हो चुकी है, जंग छिड़ चुकी है, कुछ भी आगे हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं, इजाजत चाहेंगे, धन्यवाद, अगली बार फिर से मिलते हैं, गुड बाय। बाबा भक्तों के आने का टाइम हो गया, गेट खोल दे बाबा। हाँ खोल दो तुम गेट, गेट खोल दो तुम, ना यहाँ झाड़ू लगी है ना यहाँ पोछा लगा है, तुम गेट पहले खोल दो। सब सामान बिखरा पड़ा है, कमला पसंद थुका पड़ा है।
दाढ़ी तो चूहे कुतर दीन। वाह नहीं नहीं वाह, हमारी दाढ़ी चूहों ने कुतर दी, क्या बात है। अब हम यहाँ बिना दाढ़ी के बैठेंगे है? तो अब किया भी क्या जा सकता है, बैठना ही पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, किया भी क्या जा सकता है, अब बाबा से बउआ बन के बैठना ही पड़ेगा हमको। और जब लोग पूछेंगे तो कह देना कि आज व्रत है इसलिए दाढ़ी कटवा दी है। बाबा इतना परेशान काहे रहते हो तुम बात बात पे। बाबा आप गेट खोल दे, बाबा गेट खोल दे। बाबा मार नारियल खोपड़ी फोड़ते बताए तेरे बंद करके। और तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं जो खड़े हो मूसक राज जैसे। हमसे कोई कुछ कह ही नहीं रहा। तो तुम्हारे कुछ अक्कल नहीं आ रही कि कुछ कर ले, उठा ले, धर ले। क्या कर ले? तुम एक काम करो, यहाँ से वहाँ दौड़ते नजर आओ लेकिन खड़े ना रहो हमारे सामने, बताए तेरे पटक देंगे हम यहीं पे। और ये सब सामान पड़ा हटाओ ये सब। क्या सामान पड़ा है? हे भगवान क्या सब क्या है, ये सब पड़ा है, दारू की बोतलें, नमकीन, बिस्किट, ये कमला पसंद की पुड़िया, सब फेंको जाके, हटाओ, रखो जाके कहीं। कहाँ रखे जाके? देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला कि हमारी खोपड़ी में रख दो और दूसरा सरेआम बीच बाजार में रख दो जिससे सब लोग देखे कि बाबा दारू पीते हैं, कमला पसंद खाते हैं और सब समझ जाए कि बाबा ढोंगी है। फिर हमारी पिटाई होगी और तुम गाना गाना बाबा ढोंगी है, ढोंगी है, बाबा ढोंगी है। ठीक है सर पे रखे दे रहे, पास पड़ेगा। अरे पागल छत पे रखो जाके। अब छत पे ना रखो, बहुत बार बार उतरना बैठना पड़ता है। तुम कहीं ना उतरो बैठो, तुम यही खड़े रहो, हम यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद करे ले रहे हैं, तुम यही पड़ा रहने दो इसको। ठीक ठीक। अरे दादा उधर रखो जाके, निमास सर फट जाएगा पता है तेरा। हटाओ। बाबा तुमको गेट खोलना होगा ना? नहीं हम वो नहीं कह रहे हैं। अच्छा तो क्या कह रहे हो प्रभु? बाबा हम ये कह रहे थे कि कितनी देर बाद गेट खुलवाओगे। कहे तुमको लैट्रिन बाथरूम लगी है क्या, तो खड़े होने में दिक्कत हो रही? नहीं तो खड़े रहो थोड़ी देर, एक से एक भंग पड़े हमारे यहाँ। हो गया सारा काम? हाँ। और तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं था? कोई अभी गए नहीं थे वहां रखने। मेरा चेहरा देखो सब ठीक है, बाबा लग रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक तो है, ठीक है सब ठीक है। शीशा लेके आओ यार, तुम लोग पे भरोसा भी करना बेकार है, लाओ शीशा। मेरे बाल कहाँ हैं? बाल बाबा के बाल ही गायब हो गए। मेरे सामने खड़े होकर मसूड़े ना दिखाओ, जाओ अंदर जाके बाल लेके आओ। बक्से के पीछे पड़े होंगे बाल, कल गिर गए थे, ये लो। लोगों से कहना कि हम ध्यान लगाए, सब लोग अपनी पोजीशन ले आओ और तुम गेट खोलो। गेट खोलो महाराज। अच्छा अच्छा गेट खोले। हाँ ठीक बाबा। बाबा मुंडी नीचे करके काए बैठे हैं? बाबा ध्यान लगाए। जब हम लोग अंदर आते तभी बाबा काए ध्यान लगाते, अभी तक तो चिल्ला रहे थे खूब। और बाबा की दाढ़ी कहाँ चली गई? आज बाबा को व्रत है इसलिए बाबा ने दाढ़ी कटवाई है। अच्छा ए ज्यादा तहकीकात वगैरह तुम ना करो, जो दिक्कत है बोलो, निकल लो यहाँ से। बाबा हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो हम क्या करें, हमारी बड़ी मजबूत है जैसे आर्थिक स्थिति, चले आए मुंह उठा के। तो आपकी भी कमजोर है क्या? नहीं हम तो राजा हैं, महलों में रहते हैं हम, सोने के कपड़े पहनते, चांदी का मुकुट लगाए, देखो हमारे घर में आर्थिक कहने को कोई चीज ही नहीं है। एक कच्छा खरीदना चाहते हैं 200 रुपए का आता है, 10 दिन से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक रुपया इकट्ठा हो रहा है, अभी तक कच्छा नहीं खरीद पाए एक। अच्छा मतलब बाबा 200 रुपए का कच्छा पहनते?
और नहीं तो क्या तुम बाबा को छोटा मोटा समझे हो? और क्या भाई, बाबा बाबा है। ए! तुम निकलो यहाँ से। और तुम यहाँ आओगे ही नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम्हारी शक्ल गंदी है। दूसरा कौन है? वो है अगला। पहली बात तुमसे कायदम बात कर लियो। दूसरी? और दूसरी बात कि हम जानते हैं आपने अपनी धोती के नीचे जीन्स पहनी है। तो जीन्स नहीं पहन सकता क्या कोई इंसान? तो आप बाबा हो तो बाबा होके जीन्स पहनोगे? ढोंगी हो क्या? देखो ऐसा है, ठंडी लगती है इसलिए पहनते हैं। तो अभी तो ठंडी का सीजन शुरू भी नहीं हुआ है, गर्मी ही चल रही। मतलब पक्का ढोंगी हो? अरे मच्छर काटते यार इसलिए पहनते, कोई दिक्कत? तो मच्छर काटते हैं तो मोर्टीन लगाओ, जीन्स पहनने की क्या जरूरत है? कहां मोर्टीन लगा ले बताओ, कहां मोर्टीन लगा ले? धोती के नीचे मोर्टीन लगा ले, जला ले धोती, मर जाए खुद। और क्या, इसको नल के पास बैठाओ, चल के मिलते हैं अभी इससे। ए, चलो 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 तुरंत उधर चलो चलो। क्या है, बड़े गुलगुले छूट रहे मुंह में? हैं बाबा, हमको तो बस प्रसाद लेना है। अच्छा, कुछ चढ़ाने वढ़ाने के लिए लाए हो कि ऐसे ही प्रसाद लेना है? लाए तो नहीं है। वाह वाह, मतलब हम सबको फ्री में प्रसाद बांटेंगे, क्या बात, क्या बात है, यहाँ भंडारा चल रहा है जो प्रसाद लेने आ गए हो। अब क्या भंडारा ही समझो। बाबा ने प्रसाद दिया है भाई, बाबा ने प्रसाद दिया, बाबा ने अपने बाल अर्पित कर दिए। बाबा ने अपने बाल प्रसाद में अर्पित कर दिए कि विग गिर गई बाबा की? हमने अपने बाल अर्पित किए हैं, वो प्रसाद मांग रहा था इसलिए। नहीं नहीं है तो ये विग ही, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम भी लिखा है। मतलब बाबा ढोंगी है? बाबा ढोंगी है क्या? बाबा ढोंगी है, बाबा ढोंगी है, बाबा ढोंगी है, बाबा ढोंगी है। तो अब क्या बाबा पीते जाएंगे और बाबा सोते भी जाएंगे?